नमस्कार, आप देखें राजधानी समाचार। बात की जाए राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र की, राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के हम राजस्थान और मध्य प्रदेश के गांव में हैं, जो बॉर्डर पे ही गांव बसा है। गोवर्धन इस गांव का नाम है और लगातार यहां पर कुछ सामाजिक लोग हैं, राजनीति में पकड़ रखते हैं और राजनीति में भी सक्रिय हैं। बात करेंगे दादाजी हमारे साथ हैं। आप क्या कहना चाहते हैं, आपने चुनाव देखे 2023 में क्या स्थिति रहेगी चुनाव की? यह रहेगी कि जैसे अभी यहाँ क्षेत्र है, ये तौर क्षेत्र है, इसमें कभी करीब करीब 35,000 वोट के लमसम हैगा सभी गांवों के। तो हमारा यह है कि जो अगर टिकट मिल जाए इनको जी, तो इस सब हम संगठन से पूरा इनको सहयोग देंगे। तो तुम्हारे समाज से किसका नाम निकल के आ रहा है, किसको चाहती भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस से? इन दरियाव सिंह जी को जी। हाँ, इनको चाह रहे सब लोग। भाजपा टिकट दे उनको? हाँ, भाजपा से सबसे मिलकर टिकट देवे तो अच्छा रहे। पार्टी वाले मिलकर इनको टिकट देना चाहिए, आदमी अच्छे। आप भी दादा जुड़े हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा भी यही कहना है कि मान लो अच्छा आदमी है दरियाव सिंह जी भी जी। और क्षेत्र भी अच्छे हैं उनको जी। और जो अगर वोट भी उनका समाज का हिसाब से संगठन अच्छा है उनका जी। अगर पार्टी बनी रहे तो अच्छी बात है और उनको टिकट मिल जाए, अगर अगर मुख्यमंत्री उनको दे दे तो निकल सकता है। कांग्रेस से बापू सिंह तंवर टिके अभी विधायक बने हैं और भाजपा से इस बार बना है? नहीं, वो तो बना है। भाजपा से किसे मिलना चाहिए? भाजपा से तो दरियाव सिंह जी को मिलना चाहिए। और मान लो हर 5 साल में पार्टी बदलना चाहिए, नहीं भाई कौन सा नेताजी कैसा है, कौन सा विधायक कैसा है, तो सब कोई 5 साल अलग अलग तरीका से मिलते हैं, तो वो तो बहुत बढ़िया बात है। ब्यावरा राजगढ़ में इस बार बदलाव है, बदलाव चाहते हैं? बदलाव तो चाहते हैं, नहीं हर इंसान चाहते हैं, क्यों नहीं चाहते हैं? सबको यही लगाव रहता है कि बदलाव चलता रहता है। आबा वाला समय में भी मान लो कि अब हर बदलाव चलता रहता है। तो राजगढ़ विधानसभा के कुछ लोग और भी हैं, हम गांव में हैं, बात करेंगे गोवर्धन में। क्या है आपकी राय, क्या है, क्या कहना चाहते हैं इस बार? हमारे लिए जो है, जो जिसको टिकट देंगे जो सही है, हम तो उसको वोट दे देंगे। इस बार क्या स्थिति है, 18 में तो कांग्रेस के विधायक बन के आए थे? 18 में कांग्रेस के विधायक बन के आए थे, अब बीजेपी को टिकट मिल जाए तो बढ़िया रहे। किसका नाम चल रहा है इधर गांव क्षेत्र में, कौन तैयारी कर रहा है? दरियाव सिंह जी का। दरियाव सिंह आ रहे क्षेत्र में, घूम रहे ना? आ रहे। कुछ और भी लोग हैं, दादा से पूछेंगे। आप पार्टी के बारे में बताते, सरकार के बारे में आओ देख लो। तमाम लोग हैं जो क्षेत्र में काम कर रहे हैं, क्षेत्र के अनुभवी लोग हैं। गोवर्धन एक गांव है, राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आता। अब देखना होगा 2023 में पार्टी किसे टिकट देती है। जुड़े मैं सर राजधानी समाचार न्यूज़ की रिपोर्ट, गोवर्धन गांव और राजगढ़ विधानसभा।